निकाय चुनाव 2022 की बड़ी कवरेज मेयर साहब एसटीवी न्यूज़ पर आप देख रहे हैं। मैं हूं अंसारुल हक। आज मेयर साहब में जनता की बात होगी और मोतिहारी नगर निगम के वार्ड नंबर 15 के की जनता की बात होगी। इस वक्त हम वार्ड नंबर 15 में खड़े हैं और आज यहां पे जानेंगे कि इस वार्ड की समस्याएं क्या क्या हैं, यहां के लोग क्या कह रहे हैं और किस तरह का मुकाबला वर्तमान में देखने को मिल रहा है। उससे पहले मैं आपको बता दूं कि ये जो वार्ड नंबर 15 है, ये पहले जो वार्ड नंबर 14 में हुआ करता था और इसकी जो पिछली जो वार्ड पार्षद थी वो है उम्मत खातून, जो वार्ड पार्षद थी जो कलाम साहब की वाइफ हैं। तो अब उनका ये इलाका, अब ये उनके क्षेत्र में नहीं रहा, अब जो है बदल गया है और ये 15 नंबर वार्ड में आ चुका है। तो कुल अभी तक जो तस्वीरें सामने आई हैं उसमें 6 उम्मीदवारों ने इस वार्ड से अपना नामांकन दिया है, जिसमें 4800 करीब जो मतदाता हैं वो इन 6 उम्मीदवारों के भविष्य का फैसला करेंगे। तो मुकाबला हमेशा की तरह बहुत दिलचस्प होता है और यहाँ भी 2-3 कैंडिडेट ऐसे हैं जिनके बीच, ख़ास तौर से 2 कैंडिडेट हैं जिनके बीच सीधी टक्कर मानी जा रही है। तो क्या कुछ है जनता से हम बात करेंगे, लेकिन हम आपको बता दें कि ये जो गली है, ये लंबोदर मुखर्जी गली जो मीना बाज़ार की से अंदर की तरफ आती है, ये बहुत पुरानी गली है और मीना बाज़ार का एक अहम मार्ग, मीना बाज़ार में घुसने का जो इसे आप कह सकते हैं। लेकिन विडंबना ये है कि इस गली में बरसात के दिनों में ऐसी बदतर हालत होती है कि यहाँ के जो पीछे के दुकानदार हैं वो अपनी दुकानें बंद करके, बारिश यानी बादल देख करके ही वो अपनी दुकानें बंद करके घरों को चले जाते हैं, क्योंकि उन्हें पता होता है कि अब जलजमा होगा और यहाँ पे ऐसे कस्टमर नहीं आएंगे। तो इसलिए इनकी ये जो रोज़मर्रा में जो है बारिश के दिनों में ये इनका रूटीन होता है। लेकिन उससे बड़ी शर्मिंदगी की बात ये है कि ये जो गली है इसके जस्ट पीछे नगर निगम कार्यालय है और इसी बिल्डिंग में जो नगर निगम के बाबू लोग हैं वो बैठते हैं और अपनी खिड़कियों से नज़ारा लेते हैं, लेकिन इस समस्या का अब तक निदान नहीं हो सका है। तो ये अपने आप में बहुत हास्यास्पद और शर्मिंदगी बात वाली बात होनी चाहिए नगर निगम के अधिकारियों के लिए, क्योंकि उनके कार्यालय के ठीक सामने इस तरह का मंजर देखने को मिलता है। लेकिन शर्म किसको कितना आती है वो देखने वाली बात होगी। यहाँ के लोग हैं वार्ड नंबर 15 के, उनसे हम बात करते हैं। सर, क्या नाम है आपका? मेरा नाम हुआ देवप्रिय मुखर्जी। क्या समस्याएं हैं आपके वार्ड में और इस बार जो चुनाव होगा वो किन मुद्दों पर होगा, आप क्या समझते हैं? यहाँ का मेन समस्या है कि ये जो गली जहाँ हम लोग खड़े हैं, इसके थोड़ा और आगे बढ़ेंगे तो एक मेन ड्रेन कभी हुआ करता था, जो कि इस पूरे लोकेलिटी का, मीना बाज़ार से लेके और यहाँ नाका नंबर 1 तक का टोटल लोकेलिटी का पानी को निकाल के और कुछ मन में और कुछ उधर धर्म समाज रोड होते हुए एग्जिट कर जाते, निकाल देते दिया करता था। लेकिन आज के दिन में ये नाला जो है वो एग्जिस्टेंस में है ही नहीं, टोटल नाला को ब्लॉक कर दिया गया है और जनता द्वारा ही किया गया है, यहाँ के जो रेजिडेंट हैं वही किए हैं ब्लॉक। और आज ये स्थिति है कि ये नरक से बदतर स्थिति हो गई। ठीक इसके बगल में मेरा घर है और मैं आज से 1.5 साल पहले मजबूर हुआ इस घर को छोड़ के दूसरे किराए के मकान में जाने को, और इस मकान को हमको तोड़ना पड़ा और नया कंस्ट्रक्शन ऊंचा करके हम लोगों को इसको करना है। तो ये समस्या कितनी गंभीर है आप इसका अंदाज़ा लगा सकते हैं। कुछ और लोग भी हैं यहाँ पे, आपका क्या नाम है सर? जी, मेरा नाम मजहर हुसैन है। यही दुकान है आपका? सामने स्टूडेंट टेलर मेरा दुकान। अच्छा, ये स्टूडेंट टेलर आपका है? मेरा। तो क्या समस्या होती है? समस्या के लिए हम लोग बहुत प्रयास किए हैं, यहाँ इंजीनियर साहब, सीएल जो भी हैं, कलेक्टर साहब, सबके पास हम लोग दे चुके, कोई सुनवाई नहीं है। हम लोग का हालत जो है दुकानदारी का बदतर हालत है। तो इस बार जो चुनाव हो रहा है तो आप
क्या सोच रहे हैं? अब सोचना क्या है, जो जीतेगा वो तो वोट दे दिए है, वो तो किस्मत की बात है अपनी अपनी। अब रह गया इस पर जिसका निगाह हो जाए उसका कर्म होगा जी। इस पर निगाह हो जाए तो कर्म हो जाए। और भी कुछ लोग हैं, उनसे बात करेंगे। बात करते हैं, क्या क्या नाम है सर आपका? मनोज कुमार। आप इसी वार्ड से हैं? हाँ, इसी वार्ड से हूँ। बताइए आपके वार्ड में क्या समस्याएं हैं और इस बार जो चुनाव होगा वो किन मुद्दों पे होगा आपके वार्ड? देखिए, इस बार जो चुनाव होगा, मुद्दा तो जो भी हो, लेकिन मेरी मुद्दाएं हैं कि सबसे बड़ी समस्या ये है यहाँ पानी की। यहाँ इतने दिनों से है कि कोई भी प्रशासनिक या नगर परिषद के कोई भी वार्ड परिषद इस पर ध्यान देता ही है नहीं। जितने के समय में लोग बहुत तरह के फल फुलाव करते हैं, ये करेंगे वो करेंगे, ये बनवाएंगे वो बनवाएंगे, लेकिन जितने के बाद एक नज़र भी आके नहीं देखते हैं कि यहाँ की जनता क्या किस स्थिति में है। तो मैं तो कहूँगा अपने हार्दिक दिल से, मैं इस चुनाव का बहिष्कार करना चाहूँगा। ना मैं मेयर का चुनाव में किसी को वोट देना चाहूँगा, ना डिप्टी मेयर में देना पड़ूंगा, और ना वार्ड, सबसे ज़्यादा तो वार्ड परिषद को नहीं देना चाहूँगा। कि जब वो जीत के जाते हैं और पब्लिक के लिए काम ही नहीं करते हैं तो पब्लिक क्यों वोट देगी, क्यों चुनेगी, नहीं चुनेगी। ये जो सज्जन है, इनके अंदर की जो बात है उसको सुन करके आप अंदाज़ा लगा सकते हैं कि ये किस तरह की स्थिति है यहाँ पे, शासन व्यवस्था कितना कुछ कर गया है कि लोगों के अंदर से अब लोकतंत्र पर से विश्वास उठता जा रहा है। आपका क्या नाम है? मोहम्मद मुबीन अख्तर जी। तो आप, आपका यही शॉप है? हाँ, इसी मार्केट में शॉप है मेरा, मीना बाजार एक नंबर गली में। हाँ जी, बताएं इस बार चुनाव किन मुद्दों पे होगा और आपके वार्ड की अहम समस्या क्या है? इस बार चुनाव जो है विकास के मुद्दे पे होगा और झूठे वादे पे नहीं होगा। हम लोग बहुत देखे हैं, झूठा वादा भी हुआ है, आश्वासन भी हुआ है कि हाँ ये कर देंगे वो कर देंगे, पानी का समस्या ख़त्म कर देंगे, आपके मार्केट का जो है ना कंजस्टेड को ख़त्म कर देंगे, नाला का निकासी कर देंगे, लेकिन ऐसा आज तक कुछ नहीं हुआ है ना। इसलिए अब की बार जो है ना बदलाव पे भी वोट होगा और विकास के मुद्दे पे भी वोट होगा। या आपको नगर निगम मेयर का चुनाव हो या वार्ड का नगर पार्षद का चुनाव हो, ये सब बदलाव के मुद्दे पे होगा और उम्मीद है कि बेहतरीन चुनाव। वो कौन से चेहरे हैं जिनमें आपको बदलाव की उम्मीद नज़र आती है? अब हम लोग जो है ना ओल्ड एज को जो है ना अब हम लोग साइड करके चल रहे हैं। युवा जोश चाहिए, युवा उमंग चाहिए और युवा मेयर भी चाहिए और युवा उप मेयर भी चाहिए और युवा वार्ड पार्षद भी चाहिए। इसलिए हर चीज़ युवा ही जो है वो बुजुर्गों से इतनी तकलीफ नहीं। बुजुर्ग को हम लोग, हमारे बुजुर्ग को हम लोग मार्गदर्शक में रखेंगे है ना, मार्गदर्शक में रखेंगे। क्या नाम है सर आपका? वसी अहमद कादरी है जी। क्या क्या करते हैं आप? आपका घर इसी वार्ड में है? जी, इसी वार्ड में के निवासी हैं और मजदूरी पर निर्भर हैं। इस गली में मेरा भी भतीजा का दुकान है, हम लोग यहीं पर माने रह करके अपना जीविकोपार्जन को मुहैया करते हैं। अब आप देख सकते हैं इस गली का क्या, इधर देखाइए साहब, इस गली का क्या नाला है, लेकिन नहीं नहीं के बराबर है। रोड उबड़ खाबड़ है, ये करीब करीब 30-35 वर्ष से इसका बुरा हाल है। इस गली का 30-35 वर्ष से इस सड़क का निर्माण नहीं हुआ है और पार्षद तो भरोसा दिलाते हैं कि हम जीत करके आएंगे तो ये करेंगे वो करेंगे, आज तक तो खाली सब्ज बाग दिखाया है लोग कि यह कुछ नहीं है। ये है मोतिहारी नगर निगम का हाल। मोतिहारी नगर निगम के दफ्तर के ठीक सामने जो सड़क है लंबोदर मुखर्जी गली, वो 35 सालों से उसका निर्माण नहीं हुआ है और जैसे तैसे हालात में आप देख सकते हैं कि हमारे सहयोगी आपको दिखाएंगे कि सड़क पूरी तरह से गड्ढे में तब्दील है। सड़क तो नज़र आ ही नहीं रही है, जैसे तैसे लोग यहाँ जाते हैं और एक तो सड़कों की ये हालत है, सड़क की हालत तो जो है सो है ही, साथ साथ यहाँ जल जमाव एक भीषण समस्या है। जो मैंने आपको पहले ही बताया कि जल जमाव इस कदर यहाँ पे होता है, दुकानदार हैं वो अपनी दुकानें बंद करके फिर चले जाते हैं और फिर वो अपना व्यवसाय नहीं कर पाते हैं। सर आपका नाम क्या है? कुछ और लोगों से बात करते हैं। हम तो यहाँ के बासिंदा नहीं है लेकिन भुक्त भोगी तो हैं सबसे, वहीं पानी का दिक्कत है, रोड का दिक्कत है, मार्केट तो हम लोग आते हैं
लेकिन काफ़ी परेशानी होती है, इतना ना संकीर्ण ही हो गया है दोनों तरफ से कीचड़ पाक कि आदमी का आना जाना एकदम दुभर हो गया है। हम तो यही करते हैं कि जो भी यहाँ जीते एनर्जेटिक और काम करे वो आदमी, विकास हो इस क्षेत्र का ताकि जनता में कुछ अपना ई आवे। तो हम आपको बता दें कि मीना बाज़ार जो है इसके जस्ट पीछे, और ये आप पूरा मीना बाज़ार का इलाका ही मान सकते हैं, एक अहम बाज़ार है मोतिहारी का हार्ट में जो है ये वार्ड बसता है, 15 नंबर वार्ड जिसमें मीना बाज़ार भी आता है। तो मीना बाज़ार की क्या स्थिति है और मीना बाज़ार के जो दुकानदार हैं वो बता रहे हैं और भी क्या कुछ हालात हैं। हम अंदर चलते हैं और वहाँ कुछ लोगों से बात करने की कोशिश करते हैं कि वो लोग जो है क्या उन लोगों की समस्याएं और क्या कहते हैं। पीछे ये जो मंजर आप देख रहे हैं ये मीना बाज़ार मोतिहारी है। मीना बाज़ार मोतिहारी शहर का जो हृदय आप जिसे कह सकते हैं, रोज़ाना हज़ारों लोग यहाँ पे आते हैं कारोबार करने के लिए और ख़रीदारी करने के लिए, और करोड़ों का कारोबार इस बाज़ार से होता है। लेकिन इस बाज़ार की क्या स्थिति है आप समझ सकते हैं कि मेरे पीछे आप देखिए कि ये पूरी तरह से जलमग्न है, और यहाँ लोग कैसे आते होंगे ये अपने आप में बड़ी बात है और समझने की बात है कि किस तरह के हालात हैं। और ये जो सड़क है ये स्थानीय लोग अपने खर्चे से इस सड़क का निर्माण कराए हैं, और लोग जो है किस तरह से मीना बाज़ार में मार्केटिंग कर रहे हैं ये भी आपको समझना चाहिए। नगर निकाय चुनाव में मीना बाज़ार के जो मसले हैं वो भी एक बड़ा मसला है, क्योंकि मोतिहारी शहर के हृदय में ये बाज़ार बसता है और यहाँ की एक अपनी अलग समस्या है। बारिश के दिनों में जब आप मीना बाज़ार में इंटर करेंगे तो कीचड़ से सराबोर हो जाएंगे, नारकीय स्थिति यहाँ पर रहती है। इसकी वजह क्या है यहाँ के स्थानीय दुकानदारों से हम जानते हैं कि आखिर मीना बाज़ार में इस तरह के हालात क्यों हैं। क्या नाम है सर आपका? और यही शॉप है आपका? जी जी, खलील अहमद नाम है मेरा। और यहाँ कस्टमर को आने में काफ़ी दिक्कतें होती है, यहाँ पर नगर पालिका से कोई हम लोग को सुविधा नहीं मिला है, और हम लोग अपने ही खर्चे से सारे दुकानदार भाई लोग हम लोग जैसे कि ये सब सोलिंग उलिंग लगाए हैं जितना हो सके हम लोग किए हैं, बाकी सब ऐसे ही पड़ा हुआ है जिसमें कीड़ा भी है, बदबू भी है, और अच्छे अच्छे लोग भी इधर आते हैं लेकिन ये लोग कतराते हैं अच्छे अच्छे आने से। ये बीमारी का एक समस्या भी बहुत बड़ा है ये जी, बीमारी के रूप में जो है इस समस्या को देखा जा रहा है। आपका क्या नाम है और ये मीना बाज़ार में रोड जो है कितने दिनों पहले बना है? रोड तो बहुत पहले बना है, और रोड जब बना उसके पहले वहाँ गेट के पास से नाला है, जो नाला दोनों साइड में है तो पानी का निकासी नाला ही द्वारा जाएगा। हाँ, तो ये जो नाला दोनों साइड है नाला जाम हो गया इसलिए पानी जो है सो लगता है। ये ऊंचाई आप जितने करते जाएंगे तो ऊंचा वहाँ हो जाएगा, लेकिन फिर भी जहाँ गड्ढा रहेगा तो वहाँ तो नाला है नहीं कि पास होगा पानी। दोनों साइड में पूरे मीना बाज़ार में नाला है, और नाला क्लियर हो जाएगा उसके बाद में कहीं पानी मीना बाज़ार में लगना। नाला क्लियर क्यों नहीं है, क्या वजह है सर, क्यों यहाँ जल जमाव होता है? नाला क्लियर नहीं है कि अपना लोग डॉक्यूमेंट कर लिया अलग जगह थोड़ा सा कर लिया लोग, मेन निकासी नहीं है उसी के कारण। तो कहीं ना कहीं यहाँ जो लोग कारोबार करते हैं जिनकी दुकानें हैं उनमें भी कहीं ना कहीं गलती है, वो लोग एनक्रोचमेंट कर रहे हैं नालों का जिसकी वजह से समस्या है। फुटपाथ पर लोग वही जितना भी वो लोग भी छेक लिया लोग फुटपाथ पर, मतलब लोग रख लिया नाला पर बैठ गया लोग, नाला जाम हो गया इसी से, वहाँ से नाला जाम हो गया तो उसी से कोई सामान हम लोग किसको हटाया जाए, बहुत परेशानी में हम लोग। कितना लोग आता है लोग मोटरसाइकिल से ढिमला के गिर जाता है लोग, तीन चार वो लेडीज भी गिर गया लोग यहाँ पर, नाला क्लियर हो जाएगा पानी, बहुत परेशानी होता है। तो पानी तो नहीं है, कल परसों में तो पानी ठेवड़ा भर था, कस्टमर भी नहीं आ रहा, घुटना भर पानी भी लग जाता है, घुटना भर भी लग जाता है, इतना पानी लग जाता है घुटना तक, घुटना से थोड़ा नीचे पानी आ जाता है। आप यहाँ दुकानदार हैं? हाँ, हमारी दुकान है यहाँ पे। तो उस समय कैसे होता है, मतलब कस्टमर नहीं आते होंगे? दुकानदार का तो एक उम्मीद हमारा रहता है ना, कस्टमर आएगा बोल के, लेकिन कस्टमर आएगा कैसे, पानी रहेगा तो यही है। अब कुछ नगर पालिका का भी कमी है इसमें, जो सफाई जो रोज झाड़ू मरवाना चाहिए मार्केट में वैसा कुछ वर्क नहीं है, एक 365 झाड़ू नहीं मराता है,
मीना बाजार में कबुओ झाड़ू नहीं मराता है, नहीं साफ होता है, कूड़ा भी नहीं उठता है। एक चीज बताइए कि इस बार चुनाव हो रहा है नगर निगम का, अब तो नगर, पहले नगर परिषद था, अब निगम हो चुका है, तो इस बार जो है मेयर का भी चुनाव वोट करना है, उपमेयर के लिए भी करना है, वार्ड सदस्य भी चुनना है, तो इस बार आप लोग क्या सोच करके वोट करेंगे, क्या आपकी समस्याएं, लोग जब आपके पास वोट मांगने आते हैं तो आप क्या कह रहे हैं? हम लोग तो विकास को लेकर के ही ज़्यादा विशेष चर्चा करते हैं, जो ऐसा कोई व्यक्ति जीते जो विकास करे, और विकास के दौर में दिखता है कि जो युवा व्यक्ति हो वही विकास है, ओल्ड लोग को तो देख लिए कुछ होता नहीं है, जितने भी लोग थे यहाँ पार्टी बेस पे हो या फिर ऐसे ही हो, सब लोग सरकार लेता है, काम होता है नहीं, अभी चुनाव है, चुनाव में सरकार लेगा, चुनाव हो जाएगा फिर वैसा ही रहेगा। हम लोग चाह रहे हैं तो हम लोग क्या करेंगे बोलिए ना, सब लोग तो सरकार लेता है, हम लोग वोट दे देते हैं, जीत जाता है, दोबारा कोई आता नहीं। प्रत्याशी में हम लोग मौका देना चाहेंगे इस बार पूरा जोर शोर से, प्रत्याशी में युवा को मौका देना चाहते हैं, लेकिन बहुत सारे ऐसे लोग भी हैं जो जिनको अब जो है इस व्यवस्था से कहीं ना कहीं उनका विश्वास उठ चुका है, और वो कह रहे हैं कि लोग वादे करते हैं, उनको वोट करते हैं, वो जीत के जाते हैं, लेकिन वो इनकी उम्मीदों पे खड़ा नहीं उतरते हैं। तो कुछ दुकानदार यहाँ पे हैं, उनसे भी बात करते हैं, क्या भाई साहब अभी तो ठीक ठाक है लेकिन बारिश में क्या मज़ा होता है यहाँ पे? बारिश में तो पूरा नाव चलता है इसमें, और क्या है, फिर पानी बहुत ज़्यादा लग जाता है यहाँ पे। हाँ जी, तो आने जाने में सुविधा, इसका इसका कोई जो है निदान नहीं निकलता है, क्या समझते हैं आप, क्या वजह, क्या इसका समस्या का निदान हो सकता है? व्यापारी लोग आता है अपना काम करता है और घर जाता है, इससे मतलब नहीं है। अच्छा, क्या कहना चाहेंगे भाई साहब? कुछ नहीं है, क्या समस्याएं हैं आपकी? एनक्रोचमेंट है मेन, बाजार में नाली नहीं है, पानी निकलता नहीं है, सारी गेटें जाम है, इनक्रोचमेंट के लेके है सब, कोई इस पर को लेकर के। तो इनक्रोचमेंट तो मतलब जनता ही करती है, सारा जनता का ही देन है, तो फिर कहीं ना कहीं सीधे तौर पे जो है प्रशासन को या शासन व्यवस्था को दोष देना सही नहीं है? सब दोषी हैं इसमें, इसमें सब दोषी हैं, जनता भी दोषी है, प्रशासन भी दोषी है। क्या इसका हल निकल सकता है? हल यही है कि जब तक यहाँ डंडा चलेगा नहीं, हल निकलेगा नहीं। जब तक डंडा चलेगा नहीं, इस समस्या का निदान नहीं निकल सकता है। और बात सही भी है, हमाम में एक तरह से सब नंगे वाली बात जो कहावत कही जाती है वही है, तो कहीं ना कहीं जनता भी दोषी है। बिल्कुल। क्या भाई साहब, क्या आप खरीदारी करने आए थे क्या? जी जी। क्या कहना चाहेंगे इस बार चुनाव को लेकर के, किस वार्ड के रहने वाले हैं आप? 20 के हैं। 20 के जी। इस बार के चुनाव में क्या आप जो है देख रहे हैं? सब भूल जाते हैं, सब चुनाव आता है उसके बाद, चुनाव में सबको मिलना है, उसके बाद फिर मुद्दा से मुकर जाना। आज के डेट में बताइए क्या मोतिहारी शहर का क्या विकास हुआ? कुछ विकास नहीं हुआ है, धीरे 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 पहले वाला बात ही सब चल रहा है, जो 10 साल पहले आया था स्कीम वही सब तो अभी चल रहा है कंटिन्यू। दूसरा मुद्दे पे ध्यान देना होगा। और मोतिहारी शहर के लिए क्या ज़रूरी आप समझते हैं, कि कौन कौन सा मुद्दा है, कि किन किन क्षेत्रों में विकास होना चाहिए और मेयर कैसा होना चाहिए? देखिए, सबसे पहला बात है कि शिक्षित मेयर हो तो ज़्यादा बढ़िया हो, विकास में ज़्यादा सहयोग मिलेगा। दूसरा कि स्वास्थ्य बढ़िया होना चाहिए, सफाई होनी चाहिए, स्वास्थ्य व्यवस्था पर ध्यान देना होगा, और शिक्षित होना चाहिए मेयर कि चौतरफा विकास कर सके हर जगह देख। मेयर को शिक्षित होना चाहिए और विकास जो है चौतरफा होना चाहिए, तो चौतरफा विकास तो कोई ऐसे प्रत्याशी नहीं है, नहीं है जो ये नहीं कहते हैं कि हम चौतरफा विकास नहीं करेंगे, लेकिन जनता की समस्या उम्मीदों पर वे कितना खड़े उतरते हैं ये देखने वाली बात होगी। वार्ड नंबर 15 की बात हो रही है और जो मेयर और उपमेयर के चुनाव होने हैं उसके लेकर ये भी बात हो रही है, तो वार्ड नंबर 15 में क्या कुछ समस्याएं हैं ये लोगों से बात करके जो है हम आपको बताने की कोशिश कर रहे हैं, और लोग क्या सोच रहे हैं इस बार चुनाव में ये भी हम आपको बताने की कोशिश कर रहे हैं। इस वक्त हम वार्ड नंबर 15 के जो मंदिर है भैरव मंदिर और ये 16 में और इस बार जो है 15 जी जी, तो वहाँ पे हम हैं और यहाँ पे कुछ लोग हैं, उनसे हम जानने की कोशिश करते हैं कि इस बार के चुनाव में इनके जहन में क्या कुछ चल रहा है। क्या नाम है सर? जी मेरा नाम सतीश कुमार हुआ। हाँ। मैं वार्ड नंबर 16 का वासी हूँ। अच्छा, ठीक है, 16 में जी, हम लोग 16 में हैं और वार्ड 15 और 16 आमने सामने हैं। हाँ। समझिए कि यहाँ का जो भी लोग है दोनों वार्ड पर हम लोग का फोकस रहता है और दोनों वार्ड एक दूसरे के मैंने है संलग्न था।
और यहाँ की मेन समस्या है नाली साफ सफाई, उस पर विशेष ध्यान देना होगा। और इस बार का मुद्दा विशेष रूप से वही है, हम लोग अपने वार्ड के वार्ड कमिश्नर से इसी चीज़ का मांग कर रहे हैं कि साफ सफाई और नाली जो जाम रहता है, हल्की सी बारिश होती है रोड पे पानी चला आता है, उसका निकासी का मैंने जरिया लोग बनाए, नाली और जल जमाव जो जल जमाव है उससे अहम समस्या है। नगर निगम क्षेत्र में यानी वार्ड नंबर 15 में जो जल जमाव की समस्या है एक गंभीर समस्या के रूप में सामने उभर कर आ रही है। जितने भी लोगों से हम बात कर रहे हैं ज़्यादातर लोगों का यही कहना है कि जल जमाव और नाली की समस्या एक बड़ी समस्या है, तो ये बहुत अहम होगा। इस बार जो है मेयर का भी चुनाव डायरेक्ट करना है, बिल्कुल बिल्कुल, तो उसको लेकर के आप लोग क्या सोच रहे हैं? मेयर अच्छा, हाँ बिल्कुल, मेयर में हम लोग अब की बार बदलाव चाह रहे हैं। अब की बार हम लोग प्रीति कुमारी को सपोर्ट कर रहे हैं, देवा गुप्ता की जो पत्नी है, और आशा करते हैं कि इस बार वो भारी मतों से जीतेंगी और यहाँ के लोगों का क्यों सपोर्ट कर रहे हैं प्रीति कुमारी को, क्या लग रहा है कि आपको जो है उनको सपोर्ट कर रहे हैं? हम लोग अपने शहर के विकास के लिए उनको सपोर्ट कर रहे हैं, उनका जो एक मैप तैयार है शहर के बारे में उसको हम लोगों ने देखा है समझा है, शहर का सौंदर्यीकरण साफ सफाई यही जल जमाव शिक्षा व्यवस्था इस पर उनका ज़्यादा फोकस है। एक शहर के नागरिक होने के नाते और क्या सोच करके इस बार वोट करेंगे? शहर तो जल जमाव के चलते काफ़ी परेशानी है, अभी दुर्गा पूजा के टाइम में भी बारिश हो रहा है जिसको लेकर बहुत सारा समस्या है। इस बार हम लोग प्रीति कुमारी देवा भैया को ही हम लोग अपना समर्थन देंगे और विकास अच्छा से हो इस शहर में, ये हम उनसे कामना करते हैं। मेयर चुनाव की आप बात कर रहे हैं, अपने वार्ड में किस तरह की समस्या, अपने आसपास क्या देखते हैं आप और क्या चीज़ बेहतर होना चाहिए? सफाई बहुत ज़रूरी है, जो कि मेन मुद्दा हम लोग का वही है, साफ सफाई, रास्ता, गली, जल जमाव ये सब अच्छा होना चाहिए, शिक्षा ये सब विशेष मुद्दा है। आपका क्या नाम है? अरुण कुमार। किस वार्ड में घर है आपका? वार्ड नंबर 15 में है। 15 में है। इस बार के चुनाव में क्या सोच रहे हैं आप, क्या समस्या है आप? जो लोग बोल रहा है ना हम भी वही सोच रहे हैं। अच्छा, ये लोग तो अपने मन की बात बोल रहा है, आप अपने मन की बात बोल रहे हैं? मैं वही बात कर रहा हूँ कि उतना होना चाहिए, साफ सफाई, शहर में गंदगी ना रहे, नाली जो है कि जाम हो जा रहा है। हम लोग तो देवा गुप्ता को वोट देवे करेंगे, उन्हीं को लाएंगे। तो ये जो है बनियापट्टी का इलाका कहा जाता है और भैरव मंदिर के पास हम लोगों से बात कर रहे हैं और यहाँ पे लोग जो है ख़ास तौर से मेयर प्रत्याशी को लेकर के बहुत उत्साहित नज़र आ रहे हैं। आपका क्या नाम? अजीत कुमार। किस वार्ड में घर है आपका? 16 या 15? वार्ड नंबर 15। 15 में है। 15 में क्या समस्या आप देख रहे हैं, अपने आसपास क्या समस्या है, क्या सोच करके इस बार वोट कीजिएगा? वार्ड नंबर 15 में सबसे पहले कि जो 10 साल पहले से साफ सफाई था, आज ये ट्रैफिक की समस्या हो रही है, थोड़ा सा इधर आ जाइए। हाँ, 2012 में जो जितना साफ सफाई रहता था वो 2012 से लेकर 17 तक मतलब साफ सफाई, नाली जाम ये सब की समस्या लगा हुआ है। और अभी के समय में हम लोग बहुत एक्सपेक्टेशन है हम लोग के अपने संतोष कुमार उर्फ सेन जी से, ये वो वार्ड में जीते और हम लोग के लिए एकदम सिस्टम को अपडेट रखें, नाला साफ सफाई, बाहरन कचरा उचरा और ये जो स्कूल है उस वार्ड में जितने स्कूल पढ़ते हैं उसका सिस्टम को सुधार के रखें। निकाय चुनाव 2022 का जो कवरेज है उसके सिलसिले में हम वार्ड नंबर 15 में हैं और 15 वार्ड में क्या क्या समस्याएं हैं और क्या क्या चीज़ें हैं वो सब हम आपको बखूबी बता रहे हैं। लेकिन इस बीच जब हम इस वार्ड का दौरा कर रहे थे तो यहाँ से जो कंटेस्टेड लोग जो हैं, जो उम्मीदवार हैं, उनमें से एक मुख्य नाम जुलेखा खातून का है, जो जिनके पति आजम राशिद हमारे पास मौजूद हैं। और क्या कुछ जो है इस प्रत्याशी का दावा है तो, और क्या कुछ मसले हैं जो इस वार्ड से जुड़े हुए जो उनको समझ में आते हैं वो हम जानने की कोशिश करते हैं। आजम साहब, जो बदलाव हुआ है, परिसीमन चेंज हुआ है, तो अब परिस्थितियां बदल गई हैं, आपको पता है कि आपका इलाका कौन कौन सा है?
जी मुझे पूर्ण जानकारी है, मैं विगत में चुनाव लड़ चुका हूँ। विगत में ये नगर परिषद वार्ड नंबर 10 कहलाता था, जो नए परिसीमन में वार्ड नंबर 15 कहलाता है। इसका लगभग मतदाता मैंने लगभग 5000 के करीब है, 4818। और इस परिसीमन में नए परिसीमन में अभी नए बहुत सारे कैंडिडेट आए हैं। मैं पूर्व में भी चुनाव लड़ चुका हूँ, हालांकि इस वार्ड में बहुत सारी समस्याएं हैं, बहुतों का समाधान हो चुका है, बहुत सारी समस्याओं का समाधान बाकी है। जैसे हमारे पकड़िए गाछ के पास जो वहाँ के पूर्व पार्षद का आवास है, वहाँ पे गंदगी का अंबार लगा रहता है। विगत में वो पार्षद भी रह चुके हैं, लेकिन उस समस्या का समाधान आज तक नहीं हुआ है। और मेरा मास्टर प्लान है, बहुत सारे लोगों का राशन कार्ड बना है। क्या क्या मास्टर प्लान है, पहले समस्याओं पे बात कर लेते हैं। आपको क्या समस्याएं यहाँ नज़र आती है? जैसे बहुत सारे रोड सड़क अभी अधूरे हैं, बहुत बने भी हैं, इसमें कोई दो राय नहीं है। जो यहाँ के निवर्तमान पार्षद हैं उन्होंने काम किया है, लेकिन बहुत सारे काम अभी अधूरे हैं, उन कामों को पूरा करना। बहुत सारे लोगों का राशन कार्ड बना है, लेकिन बहुत सारे लोगों का राशन कार्ड बाकी भी है। कुछ इंदिरा आवास लोगों का बना है, लेकिन बहुत सारे लोगों का बाकी है। उन सभी चीज़ों का समस्या का निदान हो, ये मेरी प्राथमिकता है। आजम राशि साहब, हम जब आपके वार्ड का दौरा कर रहे थे तो सड़कें यहाँ नज़र ही नहीं आती हैं, ख़ासतौर से लंबोदर मुखर्जी गली की अगर बात करें, और मीना बाज़ार भी इसी वार्ड के तहत आता है। तो मीना बाज़ार में जो हालात हैं वो सब लोग जानते हैं कि किस तरह की नारकीय स्थिति जब बारिश होती है तो वहाँ पे हो जाती है। उसके अलावा जो आपका चिकपट्टी मोहल्ला के नाम से जिसे जाना जाता है, तो इस मोहल्ले में भी गंदगी का अंबार लगा हुआ है, सड़कें नहीं हैं, स्ट्रीट लाइट्स कहीं तो लगे हुए दिख रहे हैं। आपको इन सब समस्याओं के निदान के लिए आपके पास क्या मास्टर प्लान है? जहाँ तक मीना बाज़ार की नारकीय स्थिति का सवाल है, मैं आपको बता दूँ, वो विगत पिछले परिसीमन में, नगर परिषद के परिसीमन में हमारे वार्ड नंबर 10 में नहीं था, नए परिसीमन में वार्ड नंबर 15 में ऐड हुआ है। और निसंदेह बहुत ही दयनीय स्थिति है मीना बाज़ार की, क्योंकि मेरी वाइफ जाती है सब्ज़ी खरीदने, बहुत सारी महिलाएँ मेरे जाती हैं सब्ज़ी खरीदने, और बरसात के दिनों में तो मन चलना मुश्किल है। और मेरा प्राथमिकता है, मेरे सबसे पहली प्राथमिकता है मीना बाज़ार की नारकीय स्थिति को दुरुस्त करना, और मैं निसंदेह के लिए कार्य करूँगा। मीना बाज़ार की बात तो समझ में आई आपके जो है, लेकिन करेंगे कैसे आप, कैसे इन चीज समस्याओं का निदान करेंगे, ये अहम सवाल। एक निगम पार्षद के पास जो मूलभूत पावर होता है, जो फंड आता है, उस फंड का सदुपयोग करेंगे, और उस फंड का सदुपयोग करेंगे तो निसंदेह विकास होगा, उसका दुरुपयोग नहीं होगा। आपकी पत्नी लड़ रही है यहाँ से चुनाव, तो आप जो है बतौर हस्बैंड जो है उनका साथ देंगे या इंटरफेयर भी करेंगे? ना ना, इंटरफेयर करने का समय, लोकतंत्र में पत्नी मेरी खड़ी है और लोकतंत्र में मेरी पत्नी जीतती है, तो निसंदेह मेरी पत्नी ही काम करेगी, उसमें हस्तक्षेप का सवाल ही पैदा नहीं होता। हाँ, मेरा मार्गदर्शन रहेगा, मेरे मार्गदर्शन में काम करेंगे, सही दिशा में काम करेंगे निसंदेह। क्या लग रहा है इस बार फाइट कितना है? इससे पहले भी आप चुनाव लड़ चुके हैं, हालांकि अब ये रिजर्व सीट हो गया है, तो बहुत सारे कैंडिडेट अब इस बार नहीं लड़ रहे हैं, इस बार आपके लिए कैसा अपॉर्चुनिटी देख रहे हैं? नहीं, मैं पूर्व में चुनाव लड़ चुका हूं, और मैं आपको बता दूं, मैं चुनाव लड़ना चाहता भी नहीं था, लेकिन भारी जन दबाव के कारण, जनता का इतना ही दबाव था मेरे ऊपर कि आप चुनाव लड़िए, और मैं जन दबाव में चुनाव लड़ रहा हूँ, और निसंदेह मेरा चुनाव मैं नहीं लड़ रहा हूँ, जनता लड़ रही है, और मैं चुनाव जीतूंगा, जनता की जीत। वार्ड पार्षद प्रत्याशी जुलेखा रशीद के आप जो है हस्बैंड हैं, तो कहीं ना कहीं आप उनके प्रतिनिधि के रूप में इस वक्त हमसे बात कर रहे हैं। अगर आपकी जीत सुनिश्चित होती है तो पहले वो 5 कार्य आप क्या करेंगे इस वार्ड के? पहले सबसे पहले कार्य होगा जो यहाँ चिकपट्टी मोहल्ला में जो पकड़िए गाछ के पास जो गंदगी का अंबार है उसको दुरुस्त करना, और मीना बाज़ार के सड़कों का दुरुस्त करना, नाली की उढ़ाई करना, नाली की मरम्मत करना, और एक आपको उर्दू लाइब्रेरी से लेके मोहन केडिया तक का जो सड़क है जो टूटे फूटी अवस्था में है उसका सुधार करना, और यहाँ के लोगों का जो राशन कार्ड अधूरा है उसको पूरा करना, और इंदिरा आवास से जो वंचित लोग हैं उनको इंदिरा आवास का दिलाना। जी, बहुत बहुत शुक्रिया आजम राशिद साहब हमसे बात करने के लिए। तो ये हैं आजम राशिद जो जिनकी पत्नी चुनाव लड़ रही हैं, और इनका दावा है कि ये जो तमाम समस्याएँ हैं इस वार्ड की वो पूरी होंगी। लेकिन वही बात है कि नेता लोग तो बहुत सारे वादे करते हैं, हमने कई सारे लोगों से बात की, तो कहीं ना कहीं एक जो है उनका विश्वास भी डगमगा रहा है, क्योंकि
लोग जो है यही बात कह रहे हैं कि लोग वादे तो करते हैं लेकिन उस पर खड़ा नहीं उतरते हैं। हम आजम साहब हमारी शुभकामनाएं कि आप अच्छा करें और हम ये भी जनता की का एक्सपेक्टेशन रहेगा कि उनकी उम्मीदों पे आप खड़ा उतरें। कहते हैं अगर आप दुनिया बदलना चाहते हैं तो आपके पास शिक्षा रूपी शस्त्र होना चाहिए। आज यह शस्त्र तोहफे के रूप में ब्रावो फाउंडेशन बच्चों को भेंट कर रहा है। राकेश पांडे जी की दिशा निर्देश में ब्रावो फाउंडेशन ने वर्ष 2019 से शिक्षा, स्वास्थ्य और रोजगार के क्षेत्र में कई अनोखे काम किए हैं और अपने इस सोच को बरकरार रखते हुए ब्रावो फाउंडेशन ने ब्रावो प्री मैट्रिक स्कॉलरशिप योजना का गठन किया है। हमारे प्रतिष्ठापक राकेश पांडे जी का मानना है कि शिक्षा की लालसा तो सभी की होती है किंतु कई बार वित्तीय भार के कारण बच्चों के सपने पूरे होने से पहले टूट जाते हैं। ब्रावो फाउंडेशन इस छात्रवृत्ति योजना के तहत बच्चों के सपनों को संवारने की नींव रखना चाहता है। इस साल हमने इस योजना की ओर अपना पहला कदम बढ़ाते हुए 8 जरूरतमंद और योग्य बच्चों को अपने छात्रवृत्ति योजना के लिए चुना है। यह बच्चे बिहार के चंपारण जिले से हैं। ब्रावो फाउंडेशन ने चंपारण के शिक्षा स्तर को एक नई दिशा दिखाने का सपना देखा है। हम चाहते हैं कि यह समाज हर रूढ़िवादी सोच को तोड़ते हुए शिक्षा के अधिकार की ओर अपना कदम बढ़ाए। ब्रावो फाउंडेशन बिहार के हर बच्चों तक अपनी मदद पहुंचाना चाहता है। आज हम चंपारणवासी राकेश पांडे जी के भारत को आत्मनिर्भर और विकासशील देश बनाने के सपने को सराहते हैं। ब्रावो फाउंडेशन, जय हिंद, जय चंपारण। वार्ड नंबर 15 से एक और उम्मीदवार जिनका नाम इब्राना खातून है, वो जो है जो 6 कैंडिडेट हैं उनमें से एक नाम है और इस वक्त हम उनके जो भसूर हैं, हाँ, तो उनसे जो है बात करते हैं और इस वक्त हमारे साथ उनकी तरफ से बात करने के लिए मौजूद हैं इकबाल कुरैशी, आपका नाम है जी। इकबाल साहब, वार्ड नंबर 15 में आपके जो भाव हैं वो कैंडिडेट हैं जी, तो यहाँ किस तरह की समस्या आपको नज़र आती है और क्या क्या वो क्षेत्र है जहाँ पे आप अगर जीतते हैं तो विकास करेंगे? पहला मेरा मामला इलेक्शन में खड़ा होने का है कि हमारे वार्ड को जो है नगर निगम के हिसाब से सबसे पहला मामला है कि इसको साफ सुथरा रखना है, पहला मेरा मुद्दा है। जहाँ तक हमसे हो, अगर ऊपर वाला इस लायक बनाता है, मेरी तो कोशिश है जीतेंगे इंशाल्लाह, अगर उस लायक बनते हो और मेरा जो है सपोर्ट अगर नगर पालिका से पूरा होता है तो सबसे पहला मेरा अपना जो ओपिनियन है इस वार्ड को साफ सुरक्षित रखना। दूसरा जो है कैसे रखेंगे साफ सुथरा, कैसे रखेंगे? ये जो सफाई कर्मी जो है जो अपने वार्ड के जो अभी जो छोटा था अब बढ़ गया, उसके साथ साथ रह करके यहाँ तक के घूम के कि किस जगह का कहाँ पर समस्या है, जहाँ नाली पर जाम हो जाना, जैसे स्लेब के टूट के उसमें अंदर पड़ जाना जी, ये चीज़ जब तक आदमी अंदर से घुस के नहीं देखेगा, जाके फ्रंट पर नहीं देखेगा, तब तक पता नहीं चलेगा। मेरा पहला काम है कि उस जगह को घूम के देख के मुआयना करके और अपने कर्मचारी के साथ रखकर उसको साफ करना, यही मेरा मकसद है ताकि मोहल्ला मेरा साफ और सुथरा रहे, पहला चीज। दूसरा मकसद जो है मेरा खड़ा होने का कि आज तक मेरे पापा इसके पहले 1907 में वार्ड कमिश्नर रहे और आज तक और इसके पहले भी कुरैशी कमेटी हम लोग का चलता है उसमें वो सरदार रहे हैं, अभी कमेटी भंग है हम लोग का ठीक। और आज तक जितने भी घर के पंचायत होते हैं घरेलू नाते से, चाहे वो आपस भाई बहन में हो, चाहे पट्टी पर्दार में हो, या जमीनी मामला हो, या जिस तरह का भी हो, आज भी मेरे पापा ही जा करके फरियाते हैं और इंशाल्लाह वो मामला हल भी होता है 90%। तो इसमें तो हर जाति धर्म के लोग हैं आपके वार्ड में जी जी, है ना जी, तो सिर्फ कुरैशी समुदाय का ही विकास तो मैंने पहले ही बोला है कि मैं वार्ड नंबर 15 का बात कर रहा हूँ और ये नहीं है ये आप 15 नंबर वार्ड में घूम के जाइएगा, वहाँ भी पता चलेगा कि मेरे मुसलमान भाई या कुरैशी भाई से अनंत कुरैशी से अलग गैर मुस्लिम जो भाई है वो भी मेरे पापा को अपने पंचायत में ले आते हैं और हमारे इसके पहले जो वार्ड कमिश्नर थे राजा खान साहब,
बहुत बढ़िया अच्छे, बहुत अच्छे से काम भी बेचारा किए, बहुत अच्छे मिलजुल के रहे, बहुत एक लाख से रहे। और बस साहब एक चीज़ बताइए कि आप कृषि समाज की बात अगर आप कर रहे हैं जी, जी। और मोतिहारी का ये ऐसा मोहल्ला है जी जिसमें कृषि बिरादरी के बहुत सारे लोग रहते हैं जी, इस मोहल्ले से जब लोग गुजरते हैं तो उन्हें बदबू बहुत आती है जी, एकदम आती है। तो इसका निदान क्या है और क्या अगर आप वार्ड कमिश्नर बनते हैं तो इसके लिए आप क्या करेंगे? इसके लिए नगर पालिका से मेरा सबसे पहला अनुरोध होगा कि ये जो बदबू का मामला है जो उसका अस्थायी जगह हम नगर पालिका से कराएंगे, नगर पालिका से कराएंगे उसका अस्थायी जगह, क्योंकि नगर निगम का मामला जो है वो साफ सुथरा का है। और ये पहला काम जीतने के बाद यही होगा जो आपको पहले बोले हैं कि बदबू का जो मामला है उसका स्थायी जगह बनेगा जो नगर पालिका के दायित्व में पड़ता है, और उसके लिए मैं मेहनत करूंगा कि ये जगह कहाँ बनता है। मेरा कोशिश पहले यही रहेगा, साफ सुथरा का, और जो बोला है जो बदबू का मामला बोल रहे, ये कारण कब होता है जो आपको बताया कि नाली टूट गया, स्लिप पड़ गया, वो जाम रहता है, ये पानी निकलता नहीं, जिसके कारण ये बदबू होता है, वो मैं पहले भी बताया। इकबाल साहब जो है बहुत सारी बातें हैं जो आपका क्लियरिफिकेशन उस पर ज़रूरी है जी। एक तो हमने बात करी कि जो है जो मोहल्ले हैं उसमें जो गंदगी है उसका प्रॉपर ट्रीटमेंट चाहिए, सड़कों की हालत जो है आपके यहाँ बहुत जर्जर है जी, और नाली निकासी की बहुत गंभीर समस्या जी, जी है ना जी। तो इन सब के लिए आपका कोई प्लान है कि ये सब जो समस्याएं हैं इसको कैसे दूर करेंगे? जी एकदम है, हमारे हमारे नाली का जो समस्या है वह हमारे मोहल्ला से जस्ट रोड टपिएगा तो मन है, मन है मुंसिपीपुर, सब नाली का निकासी उसी में है, और इसका निकासी का जो रास्ता जो ब्लॉक होता है वो हमारे रोड से निकलने के बाद ही होता है। मेरा पहला मसला यही है, मेरा रोड का सुरक्षा और नाली का जो निकासी हो जहाँ से रुका है जो हम आपको बताएं, क्योंकि इसके पहले भी हमको पता था, उस पर मेहनत भी किए थे, काम भी किए थे, वक्त के हिसाब से नहीं हो सका, बहुत दूर तक काम भी किए कि निकालने के लिए, जैसे प्रभात जी का गली, प्रभात जी के गली के पास रास्ता था जो उस मोहल्ले से जो है लाल खम मस्जिद से रास्ता जो आता है नाली का, वहाँ पर हमेशा निकासी का मामला रहा है, हमेशा एकदम। आज भी एक और गंभीर सवाल है वो ये है कि आप जैसा बता रहे हैं कि आपके फादर जो है जहीर कुरैशी जी जी वो इससे पहले भी यहाँ के वार्ड पार्षद रह चुके हैं जी, तो उस समय में क्या उपलब्धियाँ रहीं और इन सब समस्याओं का समाधान उस वक्त क्यों नहीं मिला? बहुत सा समस्या का समाधान उस वक्त भी हुआ, बहुत सा समाधान का, एक यहाँ पर डी हमारा मोहल्ला है, हमारे वार्ड में आता है, हैकट के थोड़ा सा आता है, उल्लू के पास भी जाइएगा तो उनके पास भी ना नाली था, ना रोड था, ना कोई सब सुविधा था, वहाँ पर यहाँ तक बनाने के वक्त जो है उसी डी पर का लोग रोक दिया, उसको हटा के जबरदस्ती खड़ा होकर के उन लोगों का नाली और रोड बनवाया, जिसका प्रूफ आपको आज भी डी पर का लोग दे देगा जी। चलिए तो आप काम किए होंगे तो आपको जो है उसका इनाम मिलेगा जी जी, जनता के बीच मामला है जी जी। एक सबसे ज़रूरी बात यह है जी, कि जी। लोगों को एजुकेट करना भी एक अहम काम है बेशक, ठीक है जी, लोग खुद से भी सफाई रखें जी जी, ये भी एक जागरूकता फैलाना जी जी वार्ड पार्षद का जो है अहम काम होना चाहिए जी, एकदम। तो उसके लिए आप क्या करेंगे? उसके लिए सबसे पहला हम काम करूँगा, ये जो बदबू का मामला आता है जगह जगह पर लोग जो है बाहरन को फेंकता है, कचरा को फेंकता है, सबसे पहला मेरा मामला होगा कि जो नगर पालिका के तरफ से डस्टबिन दिया गया हुआ है अगर उसको इस्तेमाल नहीं करेगा लोग, सबसे पहले मैं इसका रिपोर्ट करूंगा कि क्यों दे कि जो दिया गया नगर पालिका की तरफ से उसको उसके यूज में नहीं रख के अपने घर के यूज में क्यों किया है, सबसे पहले मैं इसको खोजूंगा, क्योंकि अगर ये मामला हल हो जाएगा तो सारा जाहिर से बात है कि मोहल्ला मेरा साफ रहेगा, क्योंकि आप डस्टबिन रखिए, रोज गाड़ी आता है, ऐलान करता है गाड़ी वाला आया कचरा निकाल, ऐलान करता है, आप उसमें लाइए डालिए, आधा मामला यहीं पे खत्म होगा। बतौर वार्ड पार्षद आपका आपकी प्राथमिकता जो होगी जी जी, वो पहले पांच कार्य आप क्या करेंगे? पांच काम में पहला पांच काम मैं सफाई का बताया हूँ, जो अभी भी कह रहा हूँ, सफाई के मामले में सबसे सख्त रहूँगा इंशाल्लाह पहला काम। दूसरा काम मेरे मोहल्ला का समस्या जो मोहल्ला के हिसाब से उत्पन्न होता है, चाहे किसी के मामला में हो, चाहे जमीन के मामला में हो, झगड़ा के मामला में हो, घर के मामला में हो, उस दूसरा उसका मैं हल करूँगा। तीसरा मेरे घर मोहल्ले में बहुत गरीब भाई बहन बिन ब्याह पड़ी है, अगर शादी ब्याह के मामला में अगर वो ऊपर आते हैं कहीं निकलते हैं, उसके लिए मैं अपने तन मन धन दोनों तीनों से साथ रहूँगा, तीन काम हो गया। चौथा काम मेरा यही कोशिश रहेगा कि मेरा भाई हमसे कोई बिखर के ना रहे, मिल के रहे। और पाँचवा काम
जो आज के डेट में लोग एक दूसरे को लड़ाने को करता है, सबसे पहले ये खत्म करूंगा पांचवा काम। चलिए इकबाल साहब, और हमारी शुभकामनाएं हैं कि आप चुनाव में अच्छा करें, और जितने लोग हैं उनके अपने अपने दावे हैं। हम लगातार आपको ये दिखाने की कोशिश कर रहे हैं कि वार्ड नंबर 15 में आज जब हम दौरा कर रहे हैं तो यहाँ की समस्याएं क्या हैं, और यहाँ जो प्रत्याशी चुनाव लड़ रहे हैं वो क्या दावे कर रहे हैं, और क्या कुछ उनका मोटिव है, और कैसी उनकी स्ट्रेटजी है। आखिरकार फैसला जनता को ही करना है, और जनता तमाम चीज़ों को देख रही है, तो क्या कुछ होगा वो तो नतीजा बताएगा। लेकिन वार्ड नंबर 15 में और क्या क्या तस्वीरें हैं वो हम आगे आपको दिखाएंगे। वार्ड पार्षद को जिता के भेजा जाता था तो मेयर कुछ अच्छा इस बार डायरेक्ट मिला है मौका, ये सही बात है। हाँ, युवा के नेता है हम लोग के सामने, आप तो जन्मे करते हो गए, काफी फेमस है अभी। युवा तो बहुत सारे हैं, युवा नेता जो मेयर प्रत्याशी है देवा गुप्ता, देवा गुप्ता तो चुनाव नहीं लड़ रहे हैं, प्रीति कुमारी। हाँ, पूरी सपोर्ट अब के साथ है। कितना उम्र है बाबू, क्या नाम है? मेरा 20 साल 20 ईयर 20 साल वोटिंग का राइट्स आप पहली बार चुनाव में वोट करेंगे या इससे पहले कर चुके हैं? पहली बार हमको इस बार मौका मिलेगा, बहुत एक्साइटमेंट होगा। क्या क्या बहुत सोच समझ के इस बार देना है वोट, अपना बहुमूल्य वोट हम लोग को इस बार देने का मौका मिलेगा। इस बार अब पहले वाला सिस्टम नहीं है कि वार्ड पार्षद बन के जाते थे लोग 5 लाख 10 लाख मैंने जो भी मिलता था अपना धांधली से, मतलब कोई भी अपने फेवर में करवा के अपना कुर्सी पे कोई और पीछे से मुखौटा कोई और वाला कहानी नहीं है। अब जो बनेगी जनता जनार्दन के हाथ में फॉर्चून का दुकान है पापा, क्या लगता है आपको मोतिहारी में क्या बड़ी समस्या है और किसका निदान होना चाहिए? समस्या तो बहुत है, चेयर पे कोई और बैठता है, पीछे से काम होता नहीं है, कागजी कार्रवाई में ही सिर्फ काम रहता है। इलेक्शन का समय आता है तो सिर्फ दिलासा दिया जाता है। क्या बोल रहे भाई साहब, मोती झील के लिए कितना रुपया आया और कोई काम नहीं होता है, समझिए। आप अभी तक जब मोदी जी का महोत्सव बनाया साफ सुथरा हो गया, 100 करोड़ का फंड आता है, और 3 दिन क्या होता है तो जलकुंभी को हटाया जाता है और उसमें 2 लाइट लगा दिया जाता है, बस बात खत्म, सब पैसा खत्म। तो पैसा जाता क्या है, जनता पूछती है कि पैसा जाता क्या चाहते हैं, क्या चाहेंगे पूरा मोतिहारी, क्या चाहिए हम लोगों को, तो कुछ चाहिए नहीं, बस अगल बगल में जो काम हो रहा है वो अच्छा से काम। मोती झील के लिए क्या चाहते हैं? कि मोती झील में कुछ विकास हो, हम लोग का मोती झील मोतिहारी में बहुत ही फेमस है, और उस मोतिहारी के लिए मतलब मोती झील नाम माना जाता है कि मोती झील बहुत अच्छा है, बीच पूरे मोतिहारी के बीचों बीच आते हैं, और मोतिहारी के बीचों बीच आने के बाद भी वहाँ पे कोई काम नहीं होता है और कुछ विकास वहाँ पे होता ही नहीं। फंड तो बहुत आता है पेपर के रूप में लेकिन काम कुछ नहीं। तो आखिरकार मोती झील भी जो है एक समस्या है शहर की, ये लोग अब जो है इसके लिए जागरूक हो चुके हैं। वार्ड नंबर 15 में क्या हालात हैं, क्या कुछ समस्याएं और लोगों के क्या विचार हैं, यह हम आपको बताने की कोशिश कर रहे थे। तो मेयर साहब में आज के लिए बस इतना ही, तमाम खबरों और डिबेट्स के लिए जुड़े रहिए। अगर आप दुनिया बदलना चाहते हैं तो आपके पास शिक्षा रूपी शस्त्र होना चाहिए। आज यह शस्त्र तोहफे के रूप में ब्रावो फाउंडेशन बच्चों को भेंट कर रहा है। राकेश पांडे जी की दिशा निर्देश में ब्रावो फाउंडेशन ने वर्ष 2019 से शिक्षा, स्वास्थ्य और रोजगार के क्षेत्र में कई अनोखे काम किए हैं, और अपने इस सोच को बरकरार रखते हुए ब्रावो फाउंडेशन ने ब्रावो प्री मैट्रिक स्कॉलरशिप योजना का गठन किया है। हमारे प्रतिष्ठापक राकेश पांडे जी का मानना है कि शिक्षा की लालसा तो सभी की होती है, किंतु कई बार वित्तीय भार के कारण बच्चों के सपने पूरे होने से पहले टूट जाते हैं। ब्रावो फाउंडेशन इस छात्रवृत्ति योजना के तहत बच्चों के सपनों को संवारने की नींव रखना चाहता है। इस साल हमने इस योजना की ओर अपना पहला कदम बढ़ाते हुए
8 जरूरतमंद और योग्य बच्चों को अपने छात्रवृत्ति योजना के लिए चुना है। यह बच्चे बिहार के चंपारण जिले से हैं। ब्रावो फाउंडेशन ने चंपारण के शिक्षा स्तर को एक नई दिशा दिखाने का सपना देखा है। हम चाहते हैं कि यह समाज हर रूढ़िवादी सोच को तोड़ते हुए शिक्षा के अधिकार की ओर अपना कदम बढ़ाए। ब्रावो फाउंडेशन बिहार के हर बच्चों तक अपनी मदद पहुंचाना चाहता है। आज हम चंपारणवासी राकेश पांडे जी के भारत को आत्मनिर्भर और विकासशील देश बनाने के सपने को सराहते हैं। ब्रावो फाउंडेशन, जय हिंद, जय चंपारण।